ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। शिमला में अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे करुणामूलक आश्रितों को एक साल हो चुका है। पिछले 365 दिनों से शिमला कालीबाड़ी के समीप रेन शेल्टर में आश्रित अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से इन आश्रितों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। वहीं अनशन का एक साल पूरा होने पर करुणामूलक आश्रितों ने शुक्रवार को शिमला उपायुक्त कार्यालय से शेरे पंजाब तक आक्रोश रैली निकाली और सरकार को 13 अगस्त तक आश्रितों की मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया। करुणामूलक संघ ने मांगे पूरी न होने पर विधानसभा के बाहर परिवार के साथ उग्र आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। करुणामूलक आश्रित संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि आज करुणामूलक आश्रितों को शिमला में क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे पूरा एक साल हो गया है। आश्रित एक साल से कड़ाके की ठंड और बरसात में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। संघ समस्त विभागों, बोर्डों, निगमों व यूनिवर्सिटी में लंबित पड़े क्लास सी के करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के मामलों, छठे वेतन आयोग में छूट देकर जो 7 मार्च 2019 की पॉलिसी में आ रहे हैं, उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत सभी को एक साथ नियुक्तियां देने और पॉलिसी में संशोधन करने व 62,501 सदस्य सालाना शर्त को हटाने की मांग कर रहा है। इसको लेकर कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन ये सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही। आज एक साल पूरा होने पर आक्रोश रैली निकाली गई और अगर सरकार विधानसभा मानसून सत्र से पहले कोई फैसला नहीं लेती तो उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। हो चुके हैं। आज एक वर्ष पूरा होने के बाद जो है करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश इस रोष रैली के माध्यम से जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा और इस धरना प्रदर्शन में विशेष तौर पर जो है एक सरकार को हम जगाने की कोशिश करेंगे, जो कि जो प्रदर्शन जो होगा ये डीसी कार्यालय के बाहर होगा, जिसमें कि हम जो है एक करुणामूलक आश्रित को लेटा के जो मतलब सरकार एज सरकार मतलब स्पोज करके इसको जगाने की कोशिश करेंगे, ताकि मुख्यमंत्री जी को एक वहां से एक मैसेज आए कि जो लंबे समय से एक साल से सरकार सोई हुई है वो करुणामूलक परिवारों को हित में फैसला दे और आगामी कैबिनेट में जो है इससे पहले जो है करुणामूलक संघ के पदाधिकारियों को बुलाया जाए और जो भी हमारी मांगे हैं इन मांगों के ऊपर विचार किया जाए, ताकि आने वाली कैबिनेट में एकमुश्त परिवारों को जो है राहत मिल सके। क्योंकि क्लास डी में सरकार ने हाल ही में एक फैसला तो लिया था, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने के लिए फैसला था, जिसमें बहुत से डिपार्टमेंट इस टाइम पेंडिंग केसेस फंस चुके हैं। जो वित्त विभाग में पेंडिंग है उसमें आईपीएच में 380 मामले, आईपीएस के अगर और विभागों की बात करें तो सीएसके यूनिवर्सिटी के 80 मामले पेंडिंग है और 98 के आसपास जो है एजुकेशन के मामले पेंडिंग है और 78 के आसपास जो है हिमाचल पुलिस के मामले पेंडिंग है, जो क्लास डी में सरकार ने फैसला लिया था उसके तहत। और हम लंबे समय से क्लास सी की मांग कर रहे हैं और क्लास सी में सरकार जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जो उसमें जो वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है जो 5% की कैपिंग लगी है उसको क्लास सी में भी हटाया जाए और जल्द से जल्द इन परिवारों को जो है एक मुस्त राहत दी जाए, अन्यथा आने वाले समय में हम जो है विधानसभा में गर्जेंगे और विधानसभा में सरकार को जो है चुनावों से पहले बहुत बड़ा झटका होगा। और एक 62,500 की शर्त हम लंबे समय से उठा रहे हैं, क्योंकि कोसी में संशोधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 62,501 सदस्य सालाना आय सीमा शर्त जो है सरकार ने एक अड़ंगा लगा रखा है, इस शर्त को भी हटाया जाए। अगर सरकार आने वाले विधानसभा से पहले हमारे इन मांगों के बारे में विचार नहीं करती है तो हम 13 तारीख को जो है एक विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जवाब देंगे और सरकार को जो आने वाले चुनाव हैं उसमें बहुत बड़ा घाटा होगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को एक निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द हम परिवारों की सुध लें और अपने किसी मंत्री महोदय या फिर कैबिनेट के किसी भी मंत्री को जो है हमारी सुध लेने के लिए भेजें, ताकि हम परिवार जो है जो भी हमारी मांगे हैं उसको सरकार के समक्ष रख सके।